हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा में प्रबंधन। इसके अंतर्गत हम संगठन, प्रशासन एंड प्रबंधन तीनों के बारे में जानेंगे, जिससे क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी सीट नहीं आया है फिजिकल एजुकेशन का बीपीएससी टीआरई 3 में कितना है, बट जितना भी होगा आपको मेहनत तो करना ही है और टाइम ही बहुत कम है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कहूंगी कि जो भी मैंने पहले प्रैक्टिस कराया हुआ है एमसीक्यूज का थियरी 2 के लिए, वो सभी वीडियोज़ का आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैं 11th 12th का एमसीक्यूज मैराथन क्लास दिया है उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और डेली बेसिस पे मैं जो एक एक टॉपिक का वन लाइनर के माध्यम से मैं आपके डाउट को क्लियर कर रही हूँ उसे भी प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपने नोट्स बनाया हुआ है अपने अकॉर्डिंग, वे सभी कमियों को दूर कीजिए जो आप में हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल स्टेट्स का, तो सभी प्रकार के वीडियोज मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। चाहे आप थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चाहे एमसीक्यू प्रैक्टिस, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे ऑनलाइनर क्वेश्चंस, सभी प्रकार के उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ इंफॉर्मेटिव होती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ आपके लिए यहाँ पे जो जरूरी है वही बातें बताया जाता है। तो क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का विकास किसने किया था। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का विकास किया था F.W. Taylor ने। एक और क्वेश्चन आता है कि प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया था, तो हेनरी फियाल। वैज्ञानिक प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित किया था F.W. Taylor ने, और प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को विकसित किया था हेनरी फियाल ने। खेल प्रबंधन में प्रथम चरण क्या होता है? तो दोस्तों, प्रथम चरण होता है नियोजन करना, यानी योजना। नेक्स्ट है सही तथ्यों को सही रूप में सही समय पर सही व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य है जनसंपर्क का। नेक्स्ट है वह योजना जिसमें केवल मुख्य कार्यवाहक निर्देश जारी करता है एवं पड़ताल करता है को क्या कहा जाता है, तो उसको सत्तावादी योजना कहा जाता है। इसको सत्तावादी योजना कहा जाता है। अच्छा कौन होता है? जनतंत्रवादी योजना। नेक्स्ट है योजना प्रक्रिया में प्रथम पद क्या होता है? दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण करना, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप किस प्रकार करेंगे। तो लक्ष्य यानी कि उद्देश्य निर्धारण करना। नेक्स्ट है खेल प्रबंधन श्रृंखला की अंतिम चरण क्या होती है? पहला तो लक्ष्य निर्धारण करना, फिर दूसरा हम योजना बनाते हैं, फिर कार्य करते हैं, फिर उस पर नियंत्रण करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। अंतिम चरण होता है नियंत्रण एवं मूल्यांकन, कंट्रोल एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, याद रखिएगा, ये आपके जीएस में पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2009 में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों, तो 21A से संबंधित है। किससे? 21A से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग की क्रियाएं का सही क्रम क्या है? तो माइक्रो टीचिंग के लिए सबसे पहले हम पाठ योजना बनाएंगे, उसके बाद शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिलेगा, फिर पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया संबंधित है, या एक प्रकार का विकार है जो अंकों को नहीं समझने संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया ऐसी विकार है जिसमें बच्चा अंकों को नहीं समझ पाता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए
तो इसमें 21 फोकस ग्रुप बनाए गए। नेक्स्ट है पाठ योजना आधारित कक्षा खत्म होने के पूर्व मनोरंजन के हिस्सों को दिया जाने वाला प्रतिशतीय समय होना चाहिए तो 25% होना चाहिए। नेक्स्ट है किसकी स्थापना हेतु DIM पद्धति, किसकी स्थापना हेतु DIM पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है तो यह जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के लिए। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसी जो आपको नहीं आता है उस पर आप टिक मार्क कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है समाज की जरूरतों के हिसाब से पाठ्यचर्या में लचीलापन ही क्या कहलाता है, अनुकूलन। जिस प्रकार का जरूरत है उस प्रकार से आप योजना बनाएं उसी को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, एडॉप्टेशन कहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना। नेक्स्ट है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के मूल क्रियाकलाप है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज के लिए नियोजन करना यानी योजना बनाएंगे, स्ट्रेटजी करेंगे, उसके बाद संगठित करना, सभी को संगठित करेंगे, फिर सभी के में तालमेल बैठाएंगे, समन्वय करेंगे, उसके बाद आदेश देंगे और फिर नियंत्रण करेंगे। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के बजट हैं, तो शून्य आधारित बजट, निर्धारित बजट, प्रोग्राम आधारित बजट। ए बजट हैं शून्य आधारित, निर्धारित बजट, प्रोग्राम आधारित बजट। बजट होता क्या है, आप अपने घर का बजट निर्धारित कर सकते हैं, सरकार बजट निर्धारित करती है, किसी भी कार्य के लिए आय व्यय का जो समुचित लेखा जोखा होता है उसी को बजट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन के अपने रचनात्मक स्वरूप के कारण इसे कौन से दो वांछित संसाधन प्राप्त करने होते हैं, तो प्रबंधन के रचनात्मक स्वरूप के कारण इसे मानवीय और भौतिक संसाधन के रूप में वांछित संसाधन प्राप्त करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है किसी प्रबंधन का तकनीकी कौशल है, तो किसी प्रबंधन का तकनीकी कौशल है किसी विशिष्ट कार्य करने की विधि, किसी भी चीज का तकनीकी कौशल होगा किसी विशिष्ट कार्य करने की जो विधि है, टेक्निक है, उसे तकनीकी कौशल कहेंगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंधन निश्चित करता है, तो वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंधन जो है प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य को बढ़ाता है। नेक्स्ट है किस संस्था हेतु आवश्यक सुविधाओं के प्रकार और मानक किस विचार के अनुपातिक होते हैं, तो वह जरूरतों और उद्देश्यों के अनुपातिक होते हैं। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है, तो कक्षा प्रबंधन पढ़ाने वाली विषय वस्तु के प्रकार पर निर्भर करती है कि विषय वस्तु आपका किस प्रकार का है, जैसे कि सब्जेक्ट है हिस्ट्री, क्वालिटी है, आप क्लास में पढ़ाएंगे, जबकि फिजिकल एजुकेशन एक ग्राउंड मोस्ट होता है। नेक्स्ट है स्कूल या कॉलेज में संसाधन योजना किनके हाथों में होनी चाहिए, तो जो सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली योजना दल पर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था, तो दोस्तों प्राचीन काल में जो प्रबंधन मैनेजमेंट होता था उसके लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं की योजना बना रहे हों तो शिक्षक को प्राथमिक तौर पर कि वह चाहिए कि वह अभियंता, प्रशासनिक, आर्किटेक्ट और तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता ली। नेक्स्ट है एक पेशेवर संस्थान का निर्णय किया जाता है किस प्रकार, दक्षता पूर्वक, योग्यता जिसमें जैसा होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता क्या शामिल करती है, नैतिक मूल्य को, मोरल वैल्यू जो होता है उसको शामिल करती है।
नेक्स्ट है, क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है? तो दोस्तों गतिशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? दोस्तों तो जनतंत्रवादी नजरिया, प्रजातांत्रिक जो नजरिया होता है वो मोस्ट होता है खेल प्रशासन में, जो जिसमें सभी अपने बात को रख सके और समझ सके। नेक्स्ट है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो हेनरी फियाल ने विकसित किया था, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को F.W. Taylor ने विकसित किया था। नेक्स्ट है, व्यावसायिक नैतिकता का सार तत्व निहित है? तो व्यवसाय के प्रति समर्पण भावना। नेक्स्ट है, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, मन को रंजन मतलब आनंदित करने वाला, मन को आनंदित करना। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिक्रिएशन, री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना। रिक्रिएशन यानी पुनः निर्माण करना, यानी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना, ये मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, एक वक्तव्य जिसमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? उसे कार्यभार कहते हैं। मोस्ट है ये कि एक वक्तव्य है जिसमें शिक्षार्थी यानी जो शिक्षा ग्रहण करने वाला है विद्यार्थी है वह अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है उसे कार्यभार बोला जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जन संपर्क है? वह सबसे प्रभावी है खेल प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है, जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं संगठन। याद रखिएगा, संगठन और प्रशासन दोनों में, प्रबंधन मैनेजमेंट दोनों में अंतर है। यानी कि जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे संगठन कहते हैं, जबकि प्रबंधन किसे कहते हैं? किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों के सामंजस्यपूर्ण प्रयास को प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? वह होता है प्रदर्शन पद्धति। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे द हिंदू दिया है इसके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कुछ और था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करूंगी। आप भी इस क्वेश्चन का सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, बजट क्या है? आय एवं व्यय का अनुमानित वार्षिक वितरण, ठीक है, बजट क्या है? आय और व्यय का अनुमानित वार्षिक विवरण। आप मासिक बजट भी बना सकते हैं, वार्षिक बजट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना आय आ रहा है और कितना व्यय करना है, इन दोनों का जो अनुपातिक अनुमानित विवरण होता है उसी को बजट कहा जाता है। नेक्स्ट है, खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व रखना चाहिए? तो मोस्ट है कि बजट के अनुसार होना हो और गुणवत्तापूर्ण हो, बजट के अनुसार हो गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, समाचार पत्र, टीवी, मीडिया और प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? तो ये मीडिया एवं जनसंपर्क के हैं। नेक्स्ट, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में क्या मदद करता है? तो दोस्तों पर्यवेक्षण यानी कि जो पर्यवेक्षण होता है वह सभी शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट, सामान्य पाठ्य योजना की तुलना में विशेष पाठ्य योजना कैसा होता है? तो लघु एवं विषय केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की सामंजस्यपूर्ण प्रयास को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रबंधन, ठीक है। अगर सार्वजनिक लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए एक साथ कोई जुट रहा है तो संगठन कहते हैं, लेकिन किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों के सामंजस्यपूर्ण प्रयास को प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना के आवश्यक भाग के रूप में औपचारिक कार्यकलापों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गतिशीलता में वृद्धि करना। नेक्स्ट, प्रबंधन में पर्यवेक्षण का ध्येय क्या होता है?
तो छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण माने निर्देशन, जो भी उसको देख रेख कर रहा है। नेक्स्ट, छात्र अध्यापक शिक्षक का इंटर्नशिप कार्यक्रम किस लिए उपलब्ध कराया जाता है? तो दोस्तों यह प्रायोगिक पाठ्यक्रम हेतु। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में खेल मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो डॉक्टर जी डी सोंधी ने किया था। इनको एशियन गेम का पितामह भी कहा जाता है, जिस प्रकार पियरे डी कोबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक के पितामह कहा जाता है और शुरू करने का श्रेय जाता है, उसी प्रकार एशियन गेम को शुरू करने का श्रेय डॉक्टर जी डी सोंधी को जाता है, प्रोफेसर जी डी सोंधी। ठीक है, और भारत में मनोरंजन अभियान का भी शुरुआत किए थे उन्होंने और एशियन गेम को भी शुरुआत किए थे। एशियन गेम का पिता कहा जाता है डॉक्टर जी डी सोंधी को। नेक्स्ट है, मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, यह कथन किसका है? यह कथन है जोसेफ साल्सन का। नेक्स्ट है, शिविर के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए? तो सूखा मौसमी सब्जियों एवं फल और सुपाच्य होना चाहिए। नेक्स्ट, मनोरंजन जरूरी है व्यक्तित्व के विकास के लिए। नेक्स्ट है, कैंप के दौरान गाया जाने वाला गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो इस गीत को लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट है, किस माध्यम से सघनता से खेलों में आम रुचि को बढ़ाना दिया? तो रेडियो टेलीविजन पर सीधा प्रसारण ने। नेक्स्ट है, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान देने वाला कारक है? तो गुणवत्ता, और इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया रहेगा बजट के अनुसार, बजट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण, लेकिन सबसे अधिक किस पे ध्यान देना आवश्यक है? तो गुणवत्ता पर, याद रखिएगा शब्दों पर, क्वेश्चन के पूछने के तरीके पर क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। नेक्स्ट है, मानव तत्वों का संगठन किसका एक बुनियादी सिद्धांत है? तो यह संगठन और प्रशासन का एक बुनियादी सिद्धांत है संगठन। ठीक है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के संगठन अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के यानी प्रशासन के, जैसे कि संगठन के लिए एकजुट प्रयास जरूरी है, सहयोग जरूरी है, निर्देशन जरूरी है और नेतृत्व जरूरी है। ये निर्देशन और नेतृत्व जो दोनों प्रशासन के से मिलता है, इसलिए संगठन के लिए प्रशासन मोस्ट है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रबंधन की सर्वोत्तम विधि होता है हस्तक्षेप रहित, इसमें कोई हस्तक्षेप न हो। नेक्स्ट, किसी भी विद्यालय के कार्यक्रमों में किसे स्पार्क प्लग कहा जाता है? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी विद्यालय के कार्यक्रमों में स्पार्क प्लग कहा जाता है कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट है, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए, तो हमेशा विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है, तो यह हमेशा सहायक सामग्री यथा उपकरणों के प्रयोग से सीखी जा सकती है। नेक्स्ट, निरीक्षण को समझा जाता है, तो निरीक्षण को सक्षम अवलोकन की अनुभूति के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रभावशाली निर्णय का लक्षण है, तो प्रभावशाली निर्णय कोई तभी ले सकता है जब उसको नियमों का ज्ञान होगा। ठीक है, तो नियमों का ज्ञान मोस्ट है प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, PPBES का तात्पर्य क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह क्वेश्चन शायद आपके BPSC TI2 में पूछा गया था, आप ध्यान दीजिएगा, उसमें पूछा गया था कि पी का, यहाँ PPBES में से पी का क्या तात्पर्य है, दोनों पी का क्या मतलब है? तो दोस्तों PPBES मोस्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। PPBES, पी से मतलब प्रोग्राम यानी योजना, सॉरी दोस्तों पी से मतलब प्लान यानी कि योजना, फिर दूसरा पी से तात्पर्य होगा प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, फिर बी से होगा बजट, ई से होगा इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, फिर व्यवस्था यानी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलकूद के प्रबंधन में सर्वाधिक कठिन कार्य किसका प्रबंधन है? उपकरणों का प्रबंधन है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा में समय सारणी की आवश्यकता किस रूप में होती है? तो दोस्तों समय सारणी मोस्ट है, समय और ऊर्जा की सदुपयोग हेतु। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में किस चीज पर जोर देना चाहिए? तो प्रारंभिक में बच्चे बोर ना हो, इसके लिए मनोरंजन शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है।
नेक्स्ट है सैंपल छोटा होगा या बड़ा, किस विचार पर निर्भर करता है? यह जनसंख्या के अभिलक्षण और विशेषक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका के संघर्ष में कौन सा कारक बेचैनी उत्पन्न करता है? तो एक शिक्षक तथा प्रशिक्षक होने की शर्तें। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रारंभिक चरण क्या है? इसका प्रारंभिक चरण होता है सारी शिक्षा के दर्शन को परिभाषित करना। नेक्स्ट है प्रबंधन का सिस्टम थ्योरी स्पष्ट रूप से किसका समर्थन करता है? तो प्रबंधन का सिस्टम थ्योरी जो है मुख्य रूप से विचार और कार्य की स्वतंत्रता पर समर्थन करता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक रूप में प्रबंधन द्विध्रुवी लोकतांत्रिक एवं सत्तावादी स्वरूपों में विभाजित किया गया है। ऐसा प्रबंधन जिसमें समस्या का हल मैनेजर स्वयं एम्प्लॉय अपने आप है, इस प्रबंधन को न कर कहते हैं, तो इस प्रबंधन को कहते हैं लेसेज फेयर प्रबंधन। ठीक है, जिसमें समस्या का हल मैनेजर स्वयं एम्प्लॉय अपने आप लेता है, तो उसमें लेजर फेयर प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है खेल में अग्रणी व्यक्तियों के चयन के लिए उद्योग तथा सेना पर आधारित कई उपागमों का उपयोग किया गया, किस खेल विशिष्ट मॉडल को सर्वप्रथम चल्ला दुरे द्वारा विकसित किया गया था? तो वह है मल्टी डायमेंशनल मॉडल। नेक्स्ट है पाठचर्या पसंदगी नापसंदगी मूल्यों के निर्णय और समस्याओं का मूल्यांकन क्या कहलाता है? यह व्यक्तिपरक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लोगों से कार्य करवाने की कला क्या है? यही है प्रबंधन। ठीक है, लोगों से कार्य करवाने की कला को हम प्रबंधन का क्लासिकल उपागम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन में पर्यवेक्षण का ध्येय क्या है? जो निरीक्षण करता है, पर्यवेक्षण का ध्येय होता है छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण करना। नेक्स्ट है क्रीड़ा अध्ययन पाठ्यचर्या का कौन सा स्वरूप है? यह ज्ञानात्मक सामाजिक भावनात्मक दक्षता के विकास को शारीरिक दक्षता के विकास के ऊपर अधिक जोर देना इसका क्रीड़ा अध्ययन पाठचर्या का स्वरूप है। एंड नेक्स्ट है खेलकूद में प्रबंधन के प्रकारों की सही क्रम बताइए। सबसे पहले समन्वय, फिर लोकतंत्रात्मक, सत्तावादी। खेलकूद प्रबंधन के प्रकार हैं समन्वित, लोकतंत्रात्मक, सत्तावादी, जिसमें सबसे बेस्ट होता है लोकतंत्रात्मक समन्वय प्रबंधन। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका सारी शिक्षा में प्रबंधन, इसमें संगठन प्रशासन एंड प्रबंधन के बारे में आपने जाना, और इसे जितना भी इसमें क्वेश्चन ऑनलाइनर के माध्यम से मैंने आपको डाउट क्लियर किया, और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकता है, आप इसी में से मुख्य चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो होगा परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन यानी कि टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसके माध्यम से सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।